नमस्कार दोस्तों, एजे पार्टी में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हो उसी तरह आप भी 4K HD वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में भी ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों इधर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपके जो भी पोस्ट है वो ऐड कर लेने हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं अपने पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लूँगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं अपने पहले पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको भी अपने पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको एक तीर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो वहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सभी पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों इधर ऊपर ओरिजिनल लिखा है वहाँ क्लिक कर देना है और यहाँ से 9/16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपका म्यूजिक है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं अपना म्यूजिक है वो ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से म्यूजिक ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर आपको म्यूजिक बीट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो वहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपका जहाँ भी पहला बीट ऐड हो रहा है तो उसी तरह से आपको बीट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं अपना बीट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको सभी बीट ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका बीट रहेगा वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों इसे हमको थोड़ा सा जूम कर देना है। जूम करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको अपने बीट है वो आपके जो बीट लगे उसके हिसाब से आपको सभी पोस्ट को कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं अपने पोस्ट को कुछ बीट के हिसाब से कर देता हूँ। उसी तरह से मैं सभी पोस्टों को कुछ बीट के हिसाब से कर दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको कर देना हो। इधर से आपको जहाँ तक आपका सॉन्ग चेंज ना हो वहाँ से आपको एक ही बीट यूज़ करने का जो कि देख सकते हो उसी तरह से कर देंगे। तो इधर आप देख सकते हो उसी तरह से आपको कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर पहले वाला ऑप्शन में आ जाना है। इधर से आपको एक जूम आउट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो उधर क्लिक कर देना है। पहले में आपको जूम आउट का ऑप्शन है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इसे फुल कर देना। फुल करने के बाद दोस्तों इधर यस पर क्लिक कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों दूसरे वाला इफेक्ट में आ जाना है। इधर से आपको देख सकते हो इधर से आपको एक साइड राइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो वो क्लिक कर देना है। तो इधर से आपको पहले वाले में आपको जिटर लेफ्ट का है वो कर देना है जो कि जिटर लेफ्ट कर देना है और दूसरे वाले इफेक्ट में आपको साइड राइट का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको इधर साइड राइट का कर देना है और उसी तरह से आपको इधर देख सकते हो आपके बीट के हिसाब से जहाँ तक आपका 15 सेकंड है वहाँ तक आपको कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो इधर से आपको जो बीट एक साथ लग रही है उसके हिसाब से आपको यहाँ तक कर देना है। और उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से आपको एक अलग तरह का इफेक्ट रहेगा जो कि आपके इफेक्ट में बहुत अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों उसी तरह से इधर आपको कुछ अलग तरह का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर पोस्ट के हिसाब से कर देता हूँ और उसी तरह करने के बाद दोस्तों इधर पहले मैं पोस्ट को थोड़ा बड़ा कर दूंगा जो कि हमारा इफेक्ट रहेगा वो सही से ऐड हो पाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको अपने इफेक्ट को पोस्ट के हिसाब से रख देना और उसी तरह से करने के बाद आपको इधर पहले वाले पोस्ट पर क्लिक करेंगे और उसे भी हम थोड़ा जूम कर देंगे जो कि हमारा जो पोस्ट रहेगा वो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर जहाँ तक आपका बीट है वहाँ तक आपको सभी पोस्ट को कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर आपको सभी पोस्टों को सही से कर देना है। तो दोस्तों मैं पहले पोस्ट को सही कर देता हूँ और उसी तरह से करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको इधर पोस्टों को कर देना है। उसी तरह करने के बाद दोस्तों इधर से आपको देख सकते हो उसी तरह से कर देना है और उसी तरह से करने के बाद दोस्तों पहले वाले इफेक्ट में आ जाना है और पहले वाले इफेक्ट में आपको कुछ अलग तरह का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो इधर से आपको एक शेक इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो वो ऐड कर लेना है। उसी तरह से आपको सभी पोस्ट में शेक इफेक्ट जो आपके छोटे पोस्ट है उसे आपको शेक इफेक्ट ही ऐड कर लेना है। उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको वापस बीट पड़ रहे तो उसी तरह से आपको जो साइड राइट का और साइड लेफ्ट का ऑप्शन दिख रहा था तो उसे आपको इफेक्ट में इधर आपको देख सकते हो इधर से आपको जिटर लेफ्ट का ऑप्शन दिख रहा है तो वो का वो क्लिक कर देना और इधर से आपको दूसरे वाले में वो जो कि साइड राइट का ऑप्शन देखने को मिल रहा था तो वो का वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर आपको दिखा देता हूँ जो कि आपका वीडियो रहेगा वो बहुत ही अच्छा और क्लासिक रहेगा। तो इधर भी आपको साइड राइट का कर देना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से आपको वापस वहाँ तक आ जाना है जहाँ से आपके बीट अलग लगना चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो इधर से आपको इफेक्ट है वो कुछ अलग तरह का इफेक्ट रहेगा वो ऐड करना चालू कर देना है।
तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह आपको इधर पूरे बिट दिख रहे हैं उसके हिसाब से आपको बिट के हिसाब से आपको वीडियो को सेट कर देना है, पोस्ट को जो सेट कर देना है, और इधर से आपको एक इफेक्ट है वो अलग तरह का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो इधर से आपको जिटर अप का इफेक्ट है वो का वो ऐड कर लेना है, जो कि यहीं तक आपको वो का वो इफेक्ट ऐड कर देना है। उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों इधर आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेना है, जो कि आपके वीडियो में अच्छा दिखेगा और उसी तरह से आपका वीडियो रहेगा वो बहुत ही क्लासिक दिखेगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इसे ब्लैक वीडियो को ले लेते हैं और इधर से हम जूम कर देंगे और इधर नीचे आपको ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपको स्क्रीन कर देना है और यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो रहेगा वो कुछ इसी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। उतना करने के बाद दोस्तों इस वीडियो को आप एक्सपोर्ट करना चाहो तो ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से यस पे क्लिक कर देना है, क्योंकि वीडियो रहेगा वो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।